प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों और आज सुबह आराधना में शामिल होने वाले सभी विश्वासी गणों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हम वेलकम करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक और रविवार हमारे जीवन में दिया कि हम इसमें मिलकर प्रभु की आराधना करें। तो आइए मिलकर आराधना के आरंभ में प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तारीफ, महिमा करते हैं। हम मिट नहीं गए, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमारे को नया करती है और आज तक प्रभु जी आपने हमें संभाल के रखा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में प्यारे परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करें। प्यारे खुदावन परमेश्वर, आज सुबह हम तेरी आराधना करना चाहते हैं, कुछ देर वचन की सेवा में जाना चाहते हैं और प्यारे खुदावन परमेश्वर पिता, इस आराधना के विरोध में आने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को, तमाम प्रकार की परेशानियों को यीशु के नाम से दूर होने के लिए हम आदेश देते हैं प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु, आप हमारी अगुवाई और मदद करें, अपने लहू में हमको ढांप के रखें। प्यारे खुदावन प्रभु जी, जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं, हर एक के जीवन पे तेरी आशीष हो प्रभु जी। हर एक जीवन आशीषित हो आज, हर एक जीवन उत्साहित हो आज, ये हमारी आपसे विनती और प्रार्थना है। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा मेरे प्रिय लोगों के, कुछ देर हम प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मिलके इस समय में जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसकी आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु, ओ पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। एक बार मैं दौड़ता हूँ तेरे पास, फिर एक बार मैं दौड़ता हूँ, गाइए, दौड़ता हूँ तेरे पास, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, अपने हाथ उठा के मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ, हाथ उठा के कहेंगे मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, हालेलुया, तो तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु हालेलुया, तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु हालेलुया, हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, तेरी उपासना करने के लिए, तुझे आराधना चढ़ाने के लिए तेरे नजदीक आता हूँ प्रभु, और हमारा विश्वास है तू वायदों का सच्चा है। तूने कहा जहां भी दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहां मौजूद होता,
आज हम में से हर एक के जीवनों में, हम में से हर एक के घरों में तू मौजूद है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं अब्बा, तेरी प्रशंसा करते, तेरी आराधना करते, तुझे ऊंचा उठाते। हमारे जीवन से तू महिमा पा, और ये हमारा मसेरे ले ले ले। ओ तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। आइए गाइए, ओ तुझसे प्यार करता, यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, हाँ तुझसे, ओ यीशु। ताली बजा के प्रभु के प्रभु को आराधना दे। हालेलुया हालेलुया, वो हमारा सहायक है, हमारा दृढ़गढ़, हमारा शरण स्थान। हालेलुया, मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ, मेरा सहायक वो, मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ। सब उन्हें बनाया दीजिए, मेरा सहायक वो परमेश्वर मेरा रहता है साथ साथ। ओ मेरे विरोध में ये क्या कर पाएंगे, हाँ मेरे विरोध में जग के लोग ये क्या कर पाएंगे। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, ऊंचाई के साथ बढ़ूंगा। हार नहीं है हमको, जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम वो आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम वो आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा, ओ हालेलुया हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। वो ही मेरा बल है, प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। प्रभु मेरा है बल, वो ही मेरा भजन, वो ही मेरा उद्धार। अधर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाएंगे, हाँ धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार गाए। हार नहीं है मुझको, हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा। ओ हार नहीं है मुझको हमको, हाँ जय के साथ बढ़ेंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, तो आज मगन हो हम ओ आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम ओ आनंदित हो, हालेलुया का, हालेलुया हालेलुया, हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा, हालेलुया ओ हार नहीं है, हालेलुया जय हमारा। पत्थर जिसको वे त्यागे थे मगर कोने का सिरा बना, पत्थर जिसको वे त्यागे थे मगर कोने का सिरा बना। हाँ प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए हालेलुया। प्रभु का है ये काम, अद्भुत है जरूर, ताली बजा के गाए। हार नहीं है मुझको, जय के साथ बढ़ूंगा, हालेलुया हार नहीं है हमको, ओ जय के साथ बढ़ेंगे। अम्मा प्रभु ने बनाया जय तेरी आराधना, आज मगन हो हम ओ आनंदित हो,
हालेलुया का ओ प्रभु ने बनाया, प्रभु ने बनाया जिंदगी जय का है। ओ आज मगन हो आनंदित हो हालेलुया का ओ हालेलुया हालेलुया हार नहीं है हालेलुया जय हमारा हालेलुया हार नहीं है हालेलुया तारी बजाते हुए रहता सदा नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा तू रहता सदा नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा तू रहता सदा तू रहता सदा नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा हालेलुया तू रहता सदा नाम तेरा प्यारा कहते हैं हम सदा हाँ संकट में जब हम दुहाई देते हैं आता है पास तू ओ संकट में जब हम दुहाई देते हैं आता है पास तू हालेलुया हार नहीं है तो के साथ बढ़ेंगे हार नहीं है मुझको हार नहीं है मुझको जय के साथ बढ़ूंगा प्रभु ने बनाया दिल ये जय का है तो आज मगन हो हम हो आनंदित हो हालेलुया गाएंगे प्रभु ने बनाया दिल ये जय का है तो आज मगन हो हालेलुया गाएंगे हाथों को हुला के हालेलुया हार नहीं है अब्बा की आराधना करें ओ राजाओं के राजा की आराधना करें हालेलुया हार नहीं दी बशोर नमस्ते ओ हालेलुया हालेलुया हार नहीं है हालेलुया जय हालेलुया हालेलुया जय हमारा बोले यीशु मसीह की जय हालेलुया हर एक चीज जिसमें प्राण है वो यहोवा की आराधना करे परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको इसलिए सृजा कि हम उसे महिमा दें हम उसे वो आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है प्रभु चाहते हैं हम उसे महिमा चढ़ाएं आइए मिल के परमेश्वर पिता को और प्रसन्न करेंगे और स्तुति प्रभु को चढ़ाएंगे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें मैं आशा करता हूं ये गीत आप सबको आता होगा आइए मिल के इस गीत को गा के आत्मा में खोते हुए अब्बा पिता को आराधना चढ़ाएं बजा के ओ आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करेगा ये आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो यहोवा की आराधना करे वो यहोवा राफा है चंदा करने वाला ओ अब्बा तेरी महिमा हो यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला
रहता उसका लहू क्रूस के तले, क्रूस के तले, हालेलुया, बहता उसका लहू क्रूस के, क्रूस के तले। ओ आई जो भी उसके पास देता वो, देता वो छुटकारा, आराधना हो आराधना हो सच्चाई से, हाँ हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की और मशा नमस्ते, आराधना हो आत्मा हालेलुया, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज जिसमें हो प्राण, यहोवा की आराधना करें। यहोवा शालोम है, शांति से बढ़ने वाला, ओ अबा, ओ यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, ओ अपनी आशीषों से वो भरेगा मेरे जीवन को, यहोवा शालोम, वो है तेरा शांति देने वाला, आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को, महासागर जैसी हालेलुया, बाधाओं में खोलेगा द्वार हालेलुया, महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार हालेलुया, पाप और श्रापों के दूर यीशु के लहू से आराधना हो, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज, यहोवा यहोवा की आराधना कर, होगा ये आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज, यहोवा यहोवा की आराधना कर। यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला, हाँ शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना, यहोवा निसी, वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा छुटकारा केवल यीशु में, यीशु ही में है, आराधना हो सच्चाई से हर एक चीज, हर एक चीज यहोवा की आराधना करे, हो आराधना हो आत्मा, ओ आराधना हो सच्चाई से, हाँ हर एक चीज, हाँ जिसमें हो यहोवा की आराधना करे, हाँ हर एक चीज जिसमें हो प्रा यहोवा की आराधना करे, हो हर एक चीज जिसमें हो प्रा यहोवा की आराधना करे, हालेलुया, ओ महिमा हो अब्बा, ओ प्रभु तूने हमें बनाया कि हम तेरी आराधना करें, तुझे प्रशंसा चढ़ाएं, ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, हाँ प्रभु हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होने पाए, तेरा हमें रचने का उद्देश्य पूरा होने पाए अब्बा, ओ हालेलुया, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें, जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीव
जीवन का दाता है वो, उसकी आराधना हम करें। हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, ओ हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया, हल्लेलुया होसना, ओ अब्बा यीशु की। आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, आत्मा से भर जाए, उसकी आराधना हम करें। हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया, हल्लेलुया होसना, अब्बा तेरी आराधना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना। जीवित यीशु की आओ आराधना करें, जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। जीवित यीशु की आओ आराधना हम करें, जीवन की नदी निकले, उसकी आराधना हम करें। हे हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, यीशु की आओ आराधना हम करें। अधोलोक पे जय पाया, अधोलोक पर जय पाया है, उसकी आराधना हम करें। मृत्युंजय यीशु की आओ आराधना हम करें। अधोलोक पे जय, अधोलोक पर जय पाया है, उसकी आराधना हम करें। हल्लेलुया होसना, रबशाना नमस्ते, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया होसना, तेरी आराधना हो, हल्लेलुया होसना, तेरी महिमा हो, हल्लेलुया होसना, हल्लेलुया, हल्लेलुया होसना। वो प्रभु ने जय पाई है, वो जय हमारे साथ है, वो जयवन की सामर्थ, जी उठने की सामर्थ हमारे जीवनों में भी काम करती है। उसकी वो असीम सामर्थ हमारे जीवनों में काम करती है। वो सर्व सामर्थी है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करके प्रभु को धन्यवाद की अच्छी आराधना हम प्रभु को चढ़ा सके। और इस आराधना के दौरान हमने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया। मेरे अजीजों, आइए हम प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना के अंदर सरों को झुकाएं, मध्यस्थता की प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में अपना सर झुकाए हुए तेरे पास आते हैं।
प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्व के लिए, अर्थात पूरे ब्रह्मांड पृथ्वी के लिए, पूरे इस सृष्टि के लिए प्रभु। जबकि पूरा सृष्टि प्रभु इस समय इस वैश्विक महामारी के दौरान उसमें से होकर गुजर रहा है प्रभु जी, और बड़े दुख का समय है प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, अस्पतालों में मरीजों की संख्या ज़्यादा है प्यारे खुदावन, मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती जा रही है दिन प्रतिदिन प्रभु जी। प्रभु, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है प्यारे परमेश्वर पिता। हम तेरे चरणों में आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? प्यारे खुदावन प्रभु जी, आज पूरे विश्व को इस कोरोना महामारी से तू आज़ाद कर प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को बचा ले प्यारे खुदावन प्रभु जी। हमारे देश में अमन चैन शांति रहे प्रभु जी, हर एक परिवार निरोगी काया को प्राप्त करे प्रभु जी, स्वस्थ और निरोगी काया का जीवन व्यतीत करे प्रभु। हालेलुया। प्यारे खुदावन, तूने आज से 2000 साल पहले हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारी प्रभु जी तमाम प्रकार के श्राप और महामारियों के लिए भी अपना प्राण दिया प्रभु जी। और प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु, जितने लोग अस्पतालों में COVID-19 से बीमार हैं और प्यारे खुदावन अन्य प्रकार की कोई भी बीमारी, घरों में प्रभु जी लोग परेशान हैं प्यारे खुदावन प्रभु जी, हमारे देश में प्यारे खुदावन प्रभु जी, तेरे दिव्य चंगाई को भेज दे खुदा। इस पृथ्वी पर प्यारे खुदावन, मानव जाति प्रभु जी इस समय जिस महामारी के दौर में से होकर गुजर रही है प्रभु, उस महामारी से तू हमें बचा ले परमेश्वर। बचा ले हमारे देश को प्रभु जी, बचा ले हमारी सृष्टि को प्रभु। प्यारे खुदावन, हम तेरे लोग हैं प्रभु। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के लोग प्यारे खुदावन, जो इस समय पैनिक अवस्था में है प्रभु, तू इनकी रक्षा और मदद कर प्रभु। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जितने भी मानव जाति हैं, तमाम मानव जाति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू सबको चंगाई दे, सब भले चंगे रहें प्रभु जी, सब काम सुचारू रूप से होने पाए इस COVID-19 से प्रभु, इस महामारी से प्रभु, ना केवल भारत को लेकिन पूरे विश्व को आज़ाद कर प्रभु, इसका इलाज जल्द से निकलने पाए प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय विशेष तौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, राज्यपालों के लिए, गवर्नर्स प्रभु जी, प्यारे खुदावन, और जितने भी प्रभु जी जिले के कलेक्टर साहिबान हैं, और प्यारे खुदावन SP DSP प्रभु, और प्यारे खुदावन डॉक्टर्स, लॉयर्स और जजेस के लिए प्रभु जी, प्यारे खुदावन हर एक लॉबी को परमेश्वर पिता आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं खुदावन प्रभु जी। हर एक पर तेरी आशीष हो खुदा, हर एक के अंदर तेरा भय पाया जाए प्रभु जी। प्यारे खुदावन परमेश्वर, हम दुआ करते हैं प्रभु इस समय, जबकि प्रभु हम बहुत परेशानी के हालात में हैं खुदा प्रभु जी, इनको समझ बुद्धि और ज्ञान दे कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता देश का संचालन करना है प्रभु जी। प्यारे खुदावन, बचा ले हमारे देश को प्रभु जी, हमारे देश को आज़ाद कर प्यारे खुदावन प्रभु जी, इस महामारी बीमारी से आज़ाद कर प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं। हम घटे और तू बढ़े प्रभु, बस जीवन की इच्छा अभिलाषा यही है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय लोगों, इस समय हमने प्रार्थना में समय बिताया है, और मैं कलीसिया से और विश्वासियों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएं। ये सूचना इस प्रकार से है कि आने वाले रविवार को सुबह 9 बजे फिर हमारी आराधना ऑनलाइन ही होगी। अगली सूचना तक हम ऑनलाइन सर्विस जारी रखेंगे, और बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि हमारा डेली ब्रेड कार्यक्रम भी आरंभ कर सकें। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, निरंतर प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें, और ये समय होगा मेरे अजीज़ों कि हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए हम जो है इस समय प्रभु के लिए जो भेंट हम लाए हैं, उस भेंट और दशवांश को अर्पित करेंगे। और जब ये अर्पित करने का समय है, तो हम लोग इस समय गीत गाएंगे, और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें गीत में अगुवाई देगी। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ,
कहता तुझे बस शुक्रिया। Yes Lord, we praise you Lord। क्या दे सकता हूँ अब्बा, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या ला सकता क्या दे सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, ओ तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। शुक्रिया तेरा, शुक्रिया यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता अब्बा, हर एक जन गाए, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया 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 यीशु तेरा, शुक्रिया धन्यवाद। इस समय हमने अपने भेंट और अपने दशवांश प्रभु को नज़र किए हैं, तो हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे भेंट और दशवांश को ग्रहण करे और उन पर आशीष दे।
हमारे जीवित और महान परमेश्वर, उठाई हुई भेंट और दशमांश के लिए हम दुआ करते हैं। प्यारे खुदावन्द परमेश्वर पिता, जो भेंट और दशमांश हमने उठाए हैं प्रभु, हम क्या हैं कि तुझे कुछ दें, लेकिन तूने हमें बहुत सारी आशीषें दी है और उन आशीषों में से परमेश्वर पिता कुछ तेरी सेवा के लिए हमने अलग किया है। प्यारे खुदावन्द, तेरी आज्ञा के अनुसार जो दशमांश तेरा है प्रभु, तेरा भाग है, तेरे लिए अलग किया है खुदा, इसे कबूल फरमा और खुदावन्द परमेश्वर देने वालों को हज़ार गुना लौटा दे। प्यारे खुदावन्द, तू आशीष का दाता है, तू आशीष का मूल हमें बनाना चाहता है प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते प्यारे खुदावन्द, हर एक को आशीष दे, हर एक को अपने लहू में ढांप के रख, कोई भी अंधकार की शक्ति हम पे प्रबल न होने पाए। आने वाले वचन की सेवकाई के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, उस वचन पे तेरी आशीष हो, हम घटे और तू बढ़े, यही बस हमारे जीवन की इच्छा विलासा है। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को आपके पुत्र और हमारे जिंदा खुदावन्द प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, आज सुबह परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और कलीसिया को एक काम जो बहुत ज़रूरी है, जिसको करने के लिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ। जबकि पूरा विश्व इस समय महामारी के दौर में से होकर गुजर रहा है, आप सब जानते हैं और आप सब भी इन परिस्थितियों से अवगत हैं, क्योंकि टेलीविज़न और व्हाट्सएप के माध्यम से और तमाम प्रकार के और जो मीडिया हैं उसके माध्यम से आपको पूरे विश्व की स्थिति का जो है आप मुआयना कर पा रहे हैं। और पूरा विश्व इस समय बहुत परेशानी के दौर में चल रहा है, और जब पूरा विश्व इस समय परेशानी के दौर में चल रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन ऐसे समय के लिए हमें क्या कहता है, मैं आपके साथ कुछ देर बांटना चाहता हूँ। हम भजन संहिता 23 निकाल के पढ़ेंगे, भजन 23 और उसका पहले पद से लेकर 6 पद तक। ये भजन आपको रटा हुआ है, लेकिन इसी में से आज कुछ बात उत्साहित करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, पढ़िए। यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ गठिन होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाय जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। मेरे अजीजों, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। दाऊद बादशाह का ये भजन, इसमें कुछ बातें को मैं आपके साथ बांटूंगा, जो इस समय के लिए, इस खास इस दौरान जबकि पूरा विश्व मृत्यु की तराई में होकर जा रहा है, इस ट्रांसलेशन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। एक ट्रांसलेशन को मैं पढ़ रहा था तो वो कह रहा था, उसमें लिखा है कि वो मृत्यु की तराइयों में होकर के चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा। मेरे अजीजो, इस समय हम जो हमारी उम्र के जो लोग हैं और हमसे भी वृद्ध जो अवस्था में पाए जाते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि जीवन में, हमारे जीवन में 80 साल 85 साल के 90 वर्ष के व्यक्ति से भी अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 90 वर्ष की अवस्था में हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा। ऐसा समय और ऐसे समय में से होकर जबकि पूरा ना केवल भारत लेकिन पूरा विश्व गुजर रहा है, और उस समय में के लिए कई हजारों साल पहले दाऊद बादशाह ने एक भजन लिखा, और उस भजन को लिखते समय उसने लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। मेरे अजीजों, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, इसका क्या अर्थ है? पैनिक अवस्था, दर्द भरी
बातें, दर्द भरी समस्याओं में से होकर गुजरूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्यों हम करुणा से नहीं डरेंगे? क्यों हम करुणा पर विजय को प्राप्त करेंगे? करुणा मतलब मृत्यु का दूसरा नाम, यूं समझ लीजिए आप। और पूरा विश्व इस समय कोरोना के वजह से परेशान है, नेता लोग परेशान हैं, सरकारें परेशान हैं, और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम पूरी स्थिति को इसने जो है बिगाड़ के रख दिया है। कोरोना, मेरे अजीजों, मैं विश्वासियों से कहना चाहता हूं, जब इस प्रकार की महामारी हमारे जीवन के अंदर के दौर में से हम होकर गुजर रहे हों, तब परमेश्वर का वचन हमें कुछ करने को कहता है। जब हमारे देश के अंदर हालात खराब हैं, जब हमारा देश बड़ी पैनिक अवस्था में से होकर चल रहा है, दर्द भरी अवस्था में से होकर गुजर रहा है, ऐसे समय में मसीहों का जो कर्तव्य है, कलीसिया का अपना जो कर्तव्य है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, मैं इस समय योना नबी की किताब में से जो योना नबी की घटना है उसको आपके सामने लाना चाहता हूं। जब योना नबी उस तर्शिश की ओर भागा तो बाइबल बताती है कि उस समुद्र के अंदर आंधी और तूफान आ गया, और जो आंधी और तूफान जब आया तो उस आंधी और तूफान के अंदर उस समय बाइबल बताती है कि सब लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे, और जो सब लोग अपने अपने प्रभु से प्रार्थना करने लगे, अपने अपने प्रभु को पुकारने लगे, लेकिन यहां पर एक बंदा था जो परमेश्वर को जानता था। ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा इसके छठे पद को, एक अध्याय के छठे पद को। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? तब चौथे पद से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चौथे पद से पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलहा लोग डर कर अपने अपने देवताओं की दोहाई देने लगे। यहां उस जहाज में जितने लोग अन्य जाति थे, अन्य लोग थे, सभी लोग अपने अपने तरीके से परमेश्वर की आराधना करने लगे, अपने अपने ईश्वरों को पुकारने लगे, किसी भी रीति से हम इस पैनिक अवस्था से बाहर आ जाएं, इस समस्या से बाहर आ जाएं। समस्या से बाहर आने का एक ही तरीका है, और वो सारी दुनिया जानती है, और सारी दुनिया ये जानती है कि प्रार्थना ही इसका एक उत्तर है। ईश्वर को पुकारो, ये समय है जबकि हम सब मिलकर ईश्वर को पुकारें। यहां हम देखते हैं कि जहाज टूटने पर है, मौत बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, मृत्यु से मुलाकात होने वाली है, और ऐसे समय में बाइबल बताती है कि सब लोग अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे। Praise the Lord। क्या देने लगे? पढ़िए ब्रदर, अपने अपने लोग अपने अपने देवताओं की दुहाई देने लगे। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, और जो जहाज के अंदर व्यापार का माल पड़ा हुआ था, उसे समुद्र में फेंकने लगे, उसे बाहर निकाल करके फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए, कि किसी भी रीति से जहाज हल्का हो जाए और हम बच जाएं। और परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था। परंतु योना जो है, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड दैट टाइम। यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो योना है वो कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड चर्च इज स्लीपिंग, योना सो रहा है। आज की तारीख में भी चर्च सो रहा है।
चर्च को जाग उठने की जरूरत है। चर्च का मतलब है परमेश्वर को जानने वाले लोग, चर्च का मतलब है जीवते परमेश्वर को जानने वाले लोग, कलीसिया जिसको हम बोलते हैं, मंडली जिसको हम बोलते हैं, प्रभु के लोग। ऐसी पैनिक अवस्था में योना क्या कर रहा है? सो रहा है। आज इस पैनिक अवस्था में जब पूरा विश्व होकर गुजर रहा है, चर्च क्या कर रहा है? चर्च की अपनी ड्यूटी क्या है? क्या यह सोने का समय है? क्या यह निचले भाग में जाकर सोने का समय है? आज एक प्रश्न के साथ आपको उत्साहित करना चाहता हूं। बाइबल बताती है जब योना को उन्होंने जाकर कहा, पढ़िए 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 क्या लिखा है। निचले भाग में उतरकर सो गया था, निचले भाग में जाकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। और गहरी नींद में, आज चर्च गहरी निंद्रा में पड़ा हुआ है और चर्च को आज उठने की जरूरत है। इस मैसेज के माध्यम से मैं इस कलीसिया को और सुनने वाले तमाम लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं। भारी नींद में जो आप पड़े हुए हैं उसमें से जगाना चाहता हूं। आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। आर यू रेडी फॉर दैट? बिकॉज प्रभु जब उठेगा, जब उसके लोग उसके पास जाकर पुकारेंगे और वो खड़ा होगा और वो हमें बचाएगा। और हम देखते हैं कि आगे क्या लिखा है ब्रदर। तब माजी उसके निकट आकर कहने लगा, माजी उसे आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? आप मुझे बताइए, क्या एक अन्य जाति आपको आके बोलेगा कि उठ नींद में से प्रार्थना कर? कितना शर्म की बात होगी, कितने दुख का विषय होगा वो कि एक अन्य जाति आकर के हमें बोलेगा, हमें समझाएगा कि उठो और तुम प्रार्थना करो अपने परमेश्वर से, जबकि हमें उनको बोलना चाहिए कि हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आओ आप भी हमारे साथ मिलकर आराधना करो। बट द क्रिश्चियन पीपल आर स्लीपिंग टुडे। आज मसीही लोग सो रहे हैं, आज का योना सो रहा है। योना मतलब चर्च। इफ चर्च इज स्लीपिंग, पैनिक अवस्था बढ़ती चली जाएगी, पैनिक अवस्था बढ़ती चली जाएगी। मेरे असीसो, योना नबी ने, योना नबी को कोई और नहीं जगा रहा है, एक अन्य जाति जगा रहा है। क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि जब एक अन्य जाति पड़ोसी आपको आकर के बोलेगा कि अरे भैया उठ के प्रार्थना करो? और मैं समझता हूं ऐसा बहुत समय बहुत निकट है और ऐसा ही होने वाला है। मेरे अजीजों, इस योना नबी को उठाया गया और योना उठा, फिर पड़िएगा, उठ अपने देवता की दोहाई दे, अपने परमेश्वर को पुकार। ये सोने का समय नहीं है, ये समय सोने का नहीं है। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूं, ये समय सोने का नहीं है, ये समय जाग उठने का है, ये समय खड़े हो जाने का है। पढ़िएगा रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसके 11 पद को पढ़े। समय को पहचान कर, समय को पहचानो विश्वासियों, ऐसा समय ही को पहचानो मेरे विश्वासी गणो, हालेलुया। और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। और इसलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। कौन सा समय आ गया है ये? कब कौन सा समय आ गया है? नींद से जाग उठने का समय आ गया है। योना नबी को उठाया गया। आज सुबह इस मैसेज के माध्यम से मैं कलीसिया को उठ खड़े हो जाने के लिए बोलना चाहता हूं। काय के लिए खड़ा होना है? प्रार्थना के लिए खड़ा होना है, प्रभु परमेश्वर को पुकारने के लिए खड़े होना है। नींद में से जाग उठने का समय आ पहुंचा है, खड़े हो जाने का समय आ गया है। मेरे आशीषों, दाऊद बादशाह कहता है यहोवा मेरा चरवा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका चरवा कौन है? आप किसकी छत्र छाया में चल रहे हैं? ज्यादातर समय जिसकी
छाया में आप रहते हैं वही आपका चरवाहा बन जाता है। आज आपका चरवाहा टीवी बन चुका है, आप ज्यादातर समय टीवी और व्हाट्सएप में मोबाइल में अपना समय बिता रहे हैं, तो आप किसकी छत्र छाया में चले गए हैं? आइए आज दिन में हम पुकार के कहें, प्रभु यहोवा तू मेरा चरवाहा है। और मैं आपको गारंटी से बोलना चाहता हूं कि यदि आज इस मैसेज के माध्यम से जब मैं आपसे कह रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं आपको कि आज आप नींद से जाग जाएं, क्या इससे भी ज्यादा भयानक दिन देखने के लिए आप इंतजार कर रहे हैं? क्या तब उठेंगे आप? मेरे अजीजों, जब योना उठा तभी आंधी थमी। हालांकि वो सारी मुसीबत योना की वजह से ही थी, और हो सकता है प्रभु इस कोरोना को इसीलिए लाया कि कलीसिया जागृत हो जाए, कलीसिया प्रार्थना करना सीख जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में से मैं दो जगह से आपको बताऊंगा कि जब आप प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर काम करेगा। पहला इतिहास 4 अध्याय और उसके 9 और 10 पद में याबेज की दुआ वहां पर लिखी हुई है। याबेज ने, याबेज का मतलब है पीड़ित होना। आप भी तो आज पीड़ित ही तो हैं। पढ़ेंगे पहला इतिहास 4:9-10। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। याबेस अपने भाइयों में बहुत अधिक प्रतिष्ठित हुआ, क्यों? और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस का मतलब है पीड़ित अवस्था। याबेस का मतलब है पीड़ित अवस्था, यानी पैनिक टाइम। ये कौन सा समय है? ये वो समय है जब हम बहुत पीड़ित हैं। हर घर के अंदर घर के सारे सदस्य पीड़ित हैं। आप बचे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। याबेस का मतलब है पीड़ित अवस्था, पीड़ित होना। आगे, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस का मतलब क्या है? पीड़ित लोग। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप पीड़ित हैं और अगर आपके आजू बाजू के लोग पीड़ित हैं तो आओ, पीड़ित लोगों परमेश्वर को पुकारो। यहां लिखा है याबेस ने, याबेस का मतलब है पीड़ित अवस्था, पीड़ित लोग। और पीड़ित लोग क्या करें? याबेस ने परमेश्वर को पुकारा। किसको पुकारा? यही लिखा है क्या? यस yes. किसको पुकारा? परमेश्वर को पुकारा। आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो पीड़ित हो चुके हैं, आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो दर्द की अवस्था में से होकर गुजर रहे हैं। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन कहता है याबेज ने खुदावंद को पुकारा और खुदावंद ने उसकी अनसुनी की। ऐसा नहीं है, जब एक पीड़ित मनुष्य एक पीड़ित अवस्था में परमेश्वर का कोई जन परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर सुनता है। पढ़िए क्या लिखा आगे। भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। क्या बोल रहा है वो पीड़ित व्यक्ति? बोल रहा है भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। सचमुच आशीष देता का क्या मतलब है? बहुत सारी आशीषें जिन्हें हम, जो आशीषें नहीं है उन्हें हम आशीष समझ कर बैठ गए, लेकिन याबेस जो है वो सचमुच आशीष पाना चाहता है। वो आशीषें पाना चाहता है जो स्वर्गीय हैं। और बेटा आगे, और मेरा देश बढ़ाता। और मेरे देश को क्या करता? बढ़ाता। मेरे देश, देखिए यहां अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं,
देश खुशहाल है तो हम भी खुशहाल रहेंगे। देश पीड़ित है, देश में अगर पैनिक अवस्था है, हम कैसे चैन से रह सकते हैं? हमें अपने देश के लिए सबसे पहली बात, अपना देश के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। देश में प्रेम बना रहे यह हमारी जो है वो इच्छा होनी चाहिए। देश उन्नति करे, देश प्रार्थना करे, देश खुशहाल रहे। देश खुशहाल रहेगा तो हम भी खुशहाल रहेंगे, अगर देश खुशहाल नहीं है तो हम भी खुशहाल नहीं रहेंगे। तू मेरे देश को क्या करता? बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता। तू मुझे काई से बचाता, बुराई से बचाता, कि मैं उससे पीड़ित न होता। प्रॉब्लम क्या है? पीड़ित क्यों हो जाता है आदमी? बुराई के कारण। और प्रभु से वो कहता है, प्रभु मुझे तू बुराई से बचा। हालेलुया। 10 पद भी पढ़ दीजिए। और जो कुछ उसने मांगा, देखिए यहां लिखा है, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, वो परमेश्वर ने उसे दिया। आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीड़ित लोगों, परमेश्वर को पुकारो। जो पीड़ित नहीं है वो भी परमेश्वर को पुकारे। आओ हम सब मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आओ इस पैनिक अवस्था को दूर होने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। सबसे पहले हम अपनी बुराइयों को छोड़ें, पाप को छोड़ें, अधर्म को छोड़ें, अपनी गलतियों को माने, एक दूसरे के साथ सुलह करें। एक ऐसा रिवाइवल आ जाए, क्या हम एक दूसरे से मिल तो नहीं सकते, लेकिन फोन करके आपस में एक दूसरे के साथ जो अपने संबंध खराब हुए हुए हैं उन संबंधों को सुधार लें। कब कौन इस दुनिया से चला जाएगा कुछ पता नहीं है। क्या लाएं हम जगत में और क्या ले जाएंगे? कुछ भी नहीं ले जा पाएंगे। आओ आज सुबह अपने रिश्तों को मधुर करें। उसके बाद परमेश्वर के साथ संबंध को बनाकर फिर उससे प्रार्थना करें, तो वो हमारे देश को क्या कर देगा? ज्यों का त्यों कर देगा। जो कुछ उसने मांगा वो उसको परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। हो गई 10 पूरी। एक और आयत को पढ़ेंगे। हमें एक जगह से और आपको उत्साहित करने के लिए बताना चाहता हूं, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 12 से 16 पद तक पढ़े। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, सुलेमान को परमेश्वर दर्शन दे रहा है और दर्शन में उससे कह रहा है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने तेरी क्या करी है? प्रार्थना को सुना है। और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है, यज्ञ होने के भवन के लिए मैंने अपना लिया है। और यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं। देखिए, परमेश्वर चाहे जो कर सकता है, पानी ना बरसाए ये उसकी मर्जी की बात है, उजाड़ने के लिए टिड्डियां भेज दे ये भी उसके मर्जी की बात है, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं। इस समय मैं समझता हूं मरी ही फैली हुई है। एक को कब्रिस्तान पहुंचा के आते हैं, दूसरा तैयार होता है, दूसरे को कब्रिस्तान पहुंचा के आते हैं, तीसरा तैयार हो जाता है। मरी फैली हुई है, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ न्यूज़ में हम सिर्फ यही सुनते हैं, वहाँ इतने मर गए। मरी फैली हुई है। और तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो इस पैनिक अवस्था को, पहले अगर अपन देखें इस पैनिक अवस्था को, उसके बाद वो कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, किससे बात कर रहा है परमेश्वर? अपने लोगों से, विश्वासियों से, इसराइलियों से, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोगों से, उसकी खुद की अपनी कौम से कह रहा है कि
यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे नाम पर भरोसा रखते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें। क्या करना है आज कलीसिया को? क्या करना है? योना की तरह सोना है? क्या ये सोने का समय है? क्या ये ऊंची छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है? क्या ये समय सोने का है? क्या ये समय सोना और चांदी बटोरने का है? बाइबल ऐसे समय के लिए बोलती है, यदि मेरी प्रजा के लोग सबसे पहले क्या करना है? दीन होकर प्रार्थना। पहली बात दीन बनना है। आज कलीसिया से मैं कहना चाहता हूं, जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि यदि हमारे आपस में रिश्ते ठीक नहीं है, कृपया फोन पर रिश्ते ठीक कर लीजिए। गले से गले आप भले से ना मिले पर दिल से दिल मिल जाए। जैसा पिछले समय में भी मैंने बताया था कि एसाव अपने भाई से हृदय मिला करके पश्चाताप किया, रोया। गले से भी मिला लेकिन हृदय से हृदय मिलाना, दिल से दिल मिले, तभी बात बनेगी मेरे प्यारे लोगों। आगे लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। क्या करना है? दीन होकर क्या करना है? प्रार्थना। प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर। नंबर दो दर्शन के अभिलाषी हो जाएं। लॉर्ड तू मुझे दर्शन दे, मेरे जीवन को दर्शन से भर दे, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। क्या आपने कभी अपनी इच्छा अभिलाषा प्रकट की है कि प्रभु आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुझे दर्शन में देखना चाहता हूं, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। एक बार मूसा ने अपनी डिजायर प्रभु के सामने रखी, प्रभु मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर पाएगा परंतु मैं तेरी इस इच्छा को पूरा करूंगा कि मैं तुझे अपनी पीठ का दर्शन कराऊंगा। मेरे आशीष हो। अगर मैं और आप सब मिलकर दीन बने, रिश्तों को ठीक करें और उसके बाद दर्शन के अभिलाषी हो जाएं और उसके बाद अपनी बुरी चाल से फिरें। नंबर तीन, अपनी बुरी चाल से फिरें। इसका मतलब क्या है? इज़राइल के लोग का चाल चलन कैसा हो गया था? बुरा। परमेश्वर यूं ही नहीं लिखता है, परमेश्वर को लिखना है इसलिए लिख दिया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उन बातों को लिखता है जो सचमुच पाई जाती है। और इज़राइल के अंदर क्या गलती हो गई इज़राइल की कि वो बुरी चालों में फंस गए, उनके चाल चलन गलत हो गए, वो अपने चाल चलन को उन्होंने बिगाड़ लिया। क्यों सुलेमान को परमेश्वर ये बात कह रहा है कि ये भवन बनाया ठीक है, मैं इसे ग्रहण करूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि इज़राइली लोग जो मेरी कौम के लोग हैं, मेरी प्रजा कहलाते हैं, वो लोग पहली बात दीन बने, नंबर दो दर्शन के अभिलाषी हों, तीसरी बात बुरी चाल से फिरकर मेरे पास आए। आगे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। लिसन केयरफुली, वो हमारे पाप को क्या करेगा? क्षमा करेगा। हमारे पाप की क्षमा के लिए उसने क्या बलिदान मांगा? यहां पर नहीं मांगा, उसे कोई बलिदान नहीं मांगा, उसने सिर्फ ये कहा कि तुम अपनी बुरी चाल से फिर जाओ, अपने बुरे कामों को त्याग दो, अपने बुरे कामों को छोड़ दो, बोलो प्रभु इस बातों से आज मैं अपना हृदय हटाता हूं। आगे बेटे, और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। कब जो का त्यों हो जाएगा? हमारा भारत पहले जैसा भारत कब हो जाएगा? जब कलीसिया जागकर प्रार्थना करेगी। लेकिन नए नियम में भी अगर अपन देखें तो पत्रस जेल खाने में है, ठीक है, और उसे पकड़ करके जेल खाने में बंद कर दिया है, और जेल खाने में इसलिए बंद कर दिया है ताकि दूसरे दिन उसका भी मजाक उड़ाया जाए और उसको भी जो है मतलब मार दिया जाए,
लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ऐसे समय में कलीसिया ने लौ लगा करके प्रार्थना की और हम देखते हैं कि उसके बाद जो है क्या हुआ कि कलीसिया जो है, पढ़ेंगे प्रेरितों काम 12वां अध्याय और पहली पद से पढ़ें। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यूहन्ना के भाई याकूब को क्या करा उसने? तलवार से मरवा डाला। और उसके बाद किसको पकड़ के रखा? पढ़ो। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। तो उसने पतरस को भी इसी मनसा से पकड़ लिया। वे दिन अखमीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाल दिया और चार चार सिपाहियों के चार पहरों में रखा और इस विचार से कि फसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। आगे बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पैनिक अवस्था में कौन है? पतरस है। कब उसकी गर्दन याकूब की तरह काट दी जाएगी कुछ पता नहीं है। यूहन्ना के भाई याकूब के गर्दन को काट दिया गया, अब पतरस की बारी है। पतरस मौत की वादी में से होकर गुजर रहा है, लेकिन जब मौत की वादी में से होकर वो गुजर रहा था तो बाइबल बताती है कलीसिया जागृत होकर प्रार्थना कर रही थी। और आज भी सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया जागृत हो जाए। हो सकता है हम इस हॉल में इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन जूम के माध्यम से अपने अपने घरों में हम प्रार्थना के मुहिम को चलाएं, हम प्रार्थना के मुहिम को बढ़ा दें। 365 दिन 24 घंटे प्रार्थना में लगे रहें, जब तक इस पैनिक अवस्था से हमें आज़ादी ना मिले, जब तक पतरस बाहर ना आ जाए। बाइबल बताती है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने लगी, और जब जब कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की है, प्रार्थना का उत्तर तुरंत आया है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है कि पतरस जेल खाने से बाहर आ गया और वहां खड़ा है जहां कलीसिया लौ लगा करके प्रार्थना कर रही है। मेरे अजीजों, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, उसके लिए भजन 23 का 1-6 तक हमने पढ़ा, उसको लिखा है वहां, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे अजीजों, सबसे पहली बात है इसमें, यहोवा मेरा चरवाहा है। आज सुबह मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सचमुच में आपका चरवाहा कौन है? आपका चरवाहा अगर प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह आपका चरवाहा है, तो सचमुच आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मौत की वादी में से होकर के भी आप गुजरे हो तो भी परमेश्वर आपको उससे बाहर ले आएगा। भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ेंगे 1-6 तक, तो आपको वहां पर भी बल मिलेगा कि किस प्रकार से परमेश्वर आपकी बात को करेगा। पढ़ेंगे जरा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आगे। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान। इसका अर्थ वही है, यहोवा ही मेरा चरवा है, वही मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, मेरा सब कुछ दृढ़ गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा वो रखूंगा। मेरा चरवाहा है। आगे। वह बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे बहेलियों के जाल से बचाएगा। पतरस को हेरोदेस राजा से किसने बचाया? कलीसिया की प्रार्थना ने बचाया। कलीसिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने काम किया, स्वर्गदूत को भेजा, रातों रात उसे उठाकर बाहर कर दिया। हेरोदेस राजा देखता रह गया,
आज सुबह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया जागरूक होकर प्रार्थना करें, भजन 91 को अपने जीवन का आधार बनाएं, भजन 23 को अपने जीवन का आधार बना ले। और आगे क्या लिखा पढ़िए, और महामारी से बचाएगा। काई से बचाएगा? महामारी से बचाएगा। अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हैं तो आओ, इस देश को अगर महामारी से बचाना है, इस विश्व को अगर महामारी से बचाना है, तो कलीसिया को खड़ा होना है। जिस समय कलीसिया खड़ी हो जाएगी, परमेश्वर को विवश कर दीजिए, बस परमेश्वर, बस बस हो गया, बस। अब ये दर्द हमसे देखा नहीं जाता, अब हमसे ये दर्द सहा नहीं जाता। आज मेरे अजीजों, इस कोरोना को, इस पैनिक अवस्था को एक साल से भी ऊपर हो समय हो चुका है, और ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हमारी जिंदगी के अंदर इसने एक प्रकार से जो है विष घोल दिया है। ना उठने का, ना बैठने का, ना खाने का, ना पीने का, किसी बात का शुद्ध नहीं है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हो गई है, लोगों की नौकरियां चली गई है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी खुदा से गुजारिश है, कब तक प्रभु, कब तक तू इस महामारी में से होकर हमें चलाएगा। बस कर प्रभु, आज कलीसिया खड़ी हो जाए इस पैनिक अवस्था में बाहर आने के लिए। कलीसिया खड़ी हो, जैसे याबेज ने, जिसका नाम का अर्थ ही पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में हमें खुदा को पुकारना है, और खुदा दीन दुखियों की परेशानियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर बहरा और गूंगा और सोने वाला ऊँगने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु है। तो मैं प्रार्थना योद्धाओं से कहना चाहता हूँ, और मैं तो हर एक विश्वासी से कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में कोई काम ही नहीं है हमारे पास प्रार्थना के अलावा। प्रार्थना करें, हम ग्रुप बना लें, छोटे छोटे ग्रुपों में जमा ना हो, लेकिन व्हाट्सअप के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से जमा हो ना होते हुए भी हमें प्रार्थना में, एक दूसरे के साथ हम प्रार्थना में समय बिताएं। एंड आई वांट टू एनकरेज यू, हम प्रार्थना में समय बिताएं, हम प्रार्थना करें प्रभु से, ताकि परमेश्वर हमें इस परिस्थिति से बाहर लेकर आए। मैं इस समय भजन 23 का 6 पद को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, प्रार्थना के उत्तर में प्रभु क्या करेगा, पढ़िएगा। 6:23-6, निश्चय भलाई, निश्चय का मतलब है 100% भलाई और करुणा जीवन भर, हाँ, मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा हमेशा मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं कहाँ वास करूंगा, सर्वदा कहाँ वास करूंगा, यहोवा के धाम में। टीवी के सामने, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मेरे असीसो, आज सुबह के समय में मैं इन वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूं। लेट्स कम, कलीसिया चर्च जागरूक हो जाए, प्रार्थना में समय बिताएं, छोटे छोटे ग्रुप्स में प्रार्थना करें, अपने घरों में जितने विश्वासी हैं वो सब मिलकर प्रार्थना करें, घुटनों में जाएं, आंसू बहाएं। मैं आपको उपवास रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हमारी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक उपवास नहीं रखना है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर पर फर्क आएगा, तो कोई बात नहीं, उपवास नहीं रखें, लेकिन प्रार्थना करें। छोटे छोटे ग्रुप में हम बढ़ जाएं और प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, प्रार्थना करें प्रभु से, ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे, परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार से योना सो रहा था,
एक अन्य जाति आके उसे जगा रहा है, उठ, सारे लोग तो प्रार्थना कर रहे हैं अपने देवता से और तू भी उठ, अपने देवता से क्या कर, प्रार्थना कर। ऐसी अवस्था ना हो मेरे अजीजों कि अन्य जाति लोग आकर हमसे कहें अरे मसीहो तुम भी उठो, तुम भी प्रार्थना करो। मेरे अजीजों आओ हम मिलकर प्रार्थना करें। दो जगह से मैंने आपको बताया, देश के लिए प्रार्थना, विश्व के लिए प्रार्थना। प्रभु हमारे देश को, हमारे विश्व को वापस इस कोरोना से आज़ाद करके कोरोना रहित विश्व बना दे, स्ट्रेन बाहर चला जाए, प्रभु अद्भुत काम करे। ये मेरी खुदा से दुआ है कि हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। इस पैनिक अवस्था में, पीड़ित अवस्था में, इस महामारी के दौरान पे केवल और केवल और केवल प्रार्थना ही इसका उत्तर है। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करें जो अस्पतालों में भर्ती हैं, परमेश्वर काम करेगा। परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो जरूर काम करेगा। लेकिन इससे पहले हम प्रार्थना करें, अपने जिंदगी को जांचें, अपने रिश्तों को ठीक करें, अपने जीवन से कड़वाहट को दूर करें, फोन पे बात कर लें। मैं नहीं कह रहा आप जा करके उनसे मिलें, पर फोन पे बात कर लें, अपनी कड़वाहट को खत्म करके प्रभु के पास जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मिलकर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज इस संदेश के माध्यम से, जबकि हमने सुना कि जब तक कलीसिया खड़ी नहीं होगी, बाइबल में लिखा है जब तक दबोरा खड़ी नहीं हुई गांव सूने पड़े थे, वीरान पड़े थे। दबोरा भी सिस्टर भाई बहनों कलीसिया को दिखाता है। कलीसिया जिस दिन खड़ी हो जाएगी, ये सूनापन, ये सुनसानपन, ये वीरान अवस्था प्रार्थना के माध्यम से खत्म हो जाएगी। प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसे बल दे, प्रार्थना कराने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा हमारे जीवन पर आ जाए। हमारे जीवित और महान परमेश्वर बड़ी नम्रता और दीनता के साथ इस कोरोना महामारी के बीच में प्रभु, जबकि पूरा विश्व जूझ रहा है प्रभु, प्रभु हम सारे कलीसिया के लोग, ना केवल प्रभु ये स्थानीय कलीसिया पर विश्वव्यापी कलीसिया, विश्व की सारी कलीसिया इस समय एक मन होकर खड़ी हो जाए और अपने बुरे चाल चलन से फिरकर पूर्ण पश्चाताप के साथ, पवित्रता के साथ उसके चरणों में आ जाए। ओ जीसस, थैंक यू फादर, लॉर्ड डू समथिंग। प्रभु तू काम कर, इस कोरोना महामारी से ना केवल भारत को लेकिन पूरे विश्व को आजादी की जरूरत है खुदा। प्रभु ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर तू समझता है प्रभु, तू सब कुछ जानता है खुदा। प्यारे खुदा, हम प्रभु जी एक तरफ प्रभु कई प्रकार के प्रभु चुनाव अवस्था चल रही है, रैलियां हो रही है प्रभु जी, दूसरी ओर प्रभु घरों से लोगों को राशन बाहर लेके निकलने के लिए मनाई हो रही है प्रभु। क्या है प्रभु हमारे कुछ समझ में नहीं आता, पर तेरे समझ में सब कुछ आता है खुदा। तू काम कर इस कोरोना महामारी में प्रभु, जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, घरों में बीमार हैं, सबकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए घोषणा करते हैं। हमारे देश के प्रभु जी ज्यों का त्यों कर दे प्रभु जी, कोरोना रहित कर दे प्रभु जी। आज सुबह हम मिलकर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम एक ऐसे देश को चाहते हैं प्रभु जी जहाँ खुशहाली हो प्रभु, जहाँ आनंद हो प्रभु जी, जहाँ प्रभु जी किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो प्रभु जी, सब स्वस्थ और निरोगी रहे। तेरे बेटे यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया,
कोरोना से बचाव के लिए वो काफी है प्रभु, बचा ले प्रभु, हमें बचा ले खुदा, और कलीसिया को जागरूक कर ताकि कलीसिया खड़ी होकर प्रार्थना करे। धन्यवाद करते प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम सुनने वाले ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। मेरे प्रिय लोगों, इस समय आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ में शेयर करें और लाइक करें। आज सुबह जो हदिया और दशमांश उठाया गया है, यदि आप माउंट कर्मेल चर्च के सदस्य हैं तो आप माउंट कर्मेल चर्च के अकाउंट्स में, या अगर आप अकाउंट में नहीं डाल सकते हैं तो अपने पास रखें, जब कार्यालय खोलेंगे तब आप उसे लाकर जमा करा सकते हैं। परंतु यदि आप और अन्य किसी कलीसिया के सदस्य हैं तो आप अपने पासवान को अपना दशमांश और अपनी भेंट पहुँचाने की कृपा करें। और साथ में यदि आप अपने प्रार्थना का निवेदन देना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर प्रेयर टावर के नंबर हैं। और साथ में यदि आप इस सेवकाई को किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है, कृपया ध्यान रखें। मेरी गुजारिश है उन भाई बहनों से जिन्होंने भवन निर्माण के लिए अपना कमिटमेंट दिए हैं, कृपया अपने कमिटमेंट अपने एरिया लीडर्स को जमा कराएं ताकि मई के महीने की किस्त दी जा सके। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।